हो चुकी है, सर ने भी 20 साल का एक फॉर्मूला बता दिया, अब आप करता धरता है, आप लेकर आए शो को यहाँ पे, बताइए। वेल बताने को तो बहुत कुछ है, बट पहले तो एके सर का यू नो वेलकम टू द बिग बॉस यू नो फैमिली, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव एके विद अस। इनके साथ हमारा पुराना ताल्लुकात है, ये हमारी दूसरी इनिंग्स है, पहले हमने नाइट मैचेस किया साथ में, अब हम बिग बॉस करेंगे, पहले स्क्रिप्टेड कर रहे थे, अब अनस्क्रिप्टेड करेंगे कुछ। इट इज़ अ मास्टर क्लास बीइंग विद एके ऑन द सेट, सो आई really thank him for coming into the Big Boss family, so thank you once again sir. I also thank you know Alok and the Jio Cinema team for giving us the third opportunity to you know come back with another big season of Big Boss OTT, so really looking forward to it. जब 2005 में हम लोग ने ये शो लाया था, कुछ समझ नहीं रहती कि कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, अब बहुत साल हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, बहुत बहुत सीजन्स हो गए, अलग अलग मार्केट्स में हो गए, ये एक ग्लोबल शो नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमिनन है जो करीबन 70 देशों में एक साथ चलता है। एक साल में हम कम से कम यू नो इसके 70 से 100 सीजन करते हैं साल में, कितने इविक्शंस, कितने कंटेस्टेंट्स, कितने हाउसमेट्स, मतलब ये गिनती अभी हम भूल गए हैं, बट एक चीज़ हम भूले नहीं है कि टू कीप री इन्वेंटिंग एंड कीप यू नो पुशिंग द लिमिट्स फॉरवर्ड। सो इसके लिए ये क्रेडिट मुझे नहीं बट पूरी टीम को जाता है कि इस टीम के इस शो के पीछे कम से कम 500-600 लोग लगे होते हैं, क्रिएटिव होती है, प्रोडक्शन होती है, ऑपरेशन होते हैं, टेक्निकल होते हैं, मार्केटिंग, पीआर, यू नो ये बहुत एक शो, ये शो नहीं है, ये एक जो घर है जो 24/7 चलता है। सो आपने भी देखा हुआ है ये कैसे आगे आगे चलता है, बट पीछे इसमें कितने लोगों का हाथ लगा हुआ है, तो इट्स ये हमारे लिए एक शो नहीं है, ये हमारी माँ है यू नो जिसको हम रियली रियली प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि और हमें बहुत सारे सीजन्स करने हैं इसके आलोक और जियो सिनेमा के साथ और एके सर के साथ, ये शुरुआत है, बहुत सारे करेंगे अभी आगे। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही है, हम बिग बॉस को जेंडर ही बदल दिया, आज बिग बॉस को माँ ही कह दिया, लेकिन थैंक यू सो मच। अब करने वाले, करवाने वाले, लाने वाले, चलाने वाले सब यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ एक परफेक्ट फोटो हो जाए, मीडिया प्लीज इनका एक। तो Yeah, Marathi ko bolenge. Because you asked me the question in English, you know, I just want to do something which I've never done. I've done, in a way, non-fiction in a film, which was a global success. I don't have to name it, I'm sure you'll know about it, it's Slumdog Millionaire. And I've done some fiction shows also on OTT, I've done films, I've done television. So this is something which I've not done. So I said, let me, you know, why not try my hand at it? And that's the reason I'm doing it. And I'm excited, I'm very happy to do it. ये किसके घर में झगड़े नहीं होते, किसके घर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, दैट इज़ वॉट इज़ यू नो हम हंसते हैं, हम रोते हैं, पर इन बिटवीन जो चीज़ें होती हैं हमें कभी पता नहीं होती हैं, पर वो हर जगह होती है। और देन समवन क्रॉसेस अ लाइन, समवन इज़ टू सर्टेन एक्सटेंट, तो आई हैव टू बी वेरी फेयर एंड फर्म, सो दैट्स मैं ये कोशिश करूँगा, मैं फर्म भी रहूँ और फेयर भी रहूँ, और जैसे ही कहा कि कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी बिग बॉस के हाउस में जो कॉन्ट्रोवर्शियल होंगी एंड थोड़ी अनकम्फर्टेबल होगी, एंड ये सब चीज़ें तो होती हैं, लाइफ में भी होती हैं, एंड हाउ यू हैंडल इट इज What you have to do is कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो अगर किसी ने बोला, किसी कंटेस्टेंट वो अपने आप से, वो मेरे से झूठ बोलेगा वो बात अलग है, वो फिर भी मैं हैंडल कर लूँगा कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मगर वो जो अपने आप से झूठ बोलेगा वो सबसे बुरी चीज़ होगी, और वो लाइफ में भी ऐसे ही होता है। सो ऑल दीज थिंग्स, दीज डायनामिक्स व्हेन दे हैपन यू नो इन वेरी वेरी 24/7 आप सब देख सकते हैं, तो वो मुझे एम्पैथी भी दिखानी पड़ेगी और थोड़ा डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, तो कभी कभी मैं एम्पैथी भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा उनके साथ समझदारी से भी बात करूंगा, मगर
कभी कभी मुझे डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, ये सारी डायनेमिक्स मुझे करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है सही है वो मैं करूँगा। बट आई प्रॉमिस यू आई बी वेरी वेरी ट्रू टू माई सेल्फ इन हैंडलिंग दीज सिचुएशंस। सो चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, लीडर हो, यू हैव टू कीप ऑन, कहीं ना कहीं आपका सोल और आपके आइडियल सेम रहते हैं, मगर यू कीप ऑन एडिंग फ्यू थिंग्स विच मेक इट लुक फ्रेश, मेक इट लुक डिफरेंट, मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस। मगर जो जो गेम है वही रहेगी, टास्क भी वही होगा, बट देयर विल बी सम थिंग्स विच विल बी एडेड। जैसे कि हम लोग गाड़ियाँ लेते हैं, कभी कभी गाड़ी लेते हैं, तो इंजन तो सेम रहता है, इंजन और बेटर करते हैं, उसमें थोड़े बहुत ऐड करते हैं, थोड़ा कुछ ऐड करते हैं, तो यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ कार एंड यू बाय द कार। सेम इज विद एन एक्टर ऑल्सो। मैंने भी यही किया अपने करियर में कि मैं तो वही हूँ, मेरी सोच भी वही है, मैं कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँगा मैं? टीम अच्छी होनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स अच्छे होने चाहिए, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स